हेलो फ्रेंड, मेरे रेसिपी क्वीन हिंदी चैनल में आपकी स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मशरूम के पकौड़े की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे ही नया नया रेसिपी लाते रहूँगी, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मशरूम ले लिया है 2 पैकेट। अगर आपके पास पैकेट नहीं हो तो डिब्बा में भी मिलती है मशरूम। इसको मैं खोल लेती हूँ। मैंने दोनों पैकेट मशरूम खोल लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मशरूम को बहुत ही अच्छे से साफ पानी से मैंने अच्छे से धो लिया है। देखिए बहुत ही साफ हो गया है। मैं यहाँ पे डालूँगी 1 छोटी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक डालूँगी 1 छोटी चम्मच, लहसुन पेस्ट डालूंगी यहाँ पे 1 छोटी चम्मच, और उसको बहुत ही अच्छे से उसमें इस तरह से मिला लूँगी। अपने हाथों के मदद से मैंने अच्छे से मिला लिया है। देखिए अब इसको एक फोक लेके इस तरह से करना है। इस तरह से जो भी मसाला रहती है और नमक बहुत ही अच्छे से अंदर चली जाती है ऐसे करने से। आप इसको टूथपिक से भी कर सकते हैं। सारा मशरूम को कर लिया है। इसको मैं कवर कर देती हूँ और 15 मिनट के लिए मैं साइड कर देती हूँ इसको। मैं दूसरी बाउल ले लेती हूँ। 2 कड़छी बाउल में मैं बेसन डालूँगी, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक डालूँगी 1 छोटी चम्मच, लहसुन पेस्ट डालूँगी 2 छोटी चम्मच। आप यहाँ पे अपने मशरूम के क्वांटिटी के हिसाब से आप सामग्री ले सकते हैं। और इस तरह से करछी के मदद से मैं इस तरह मिला लूँगी। आप अपने हैंड से भी मिला सकते हैं, अपने फिंगर से। और यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार नहीं डालना है। थोड़ा सा और पानी डाल लेती हूँ इसमें। अभी भी देखिए बहुत ही गाढ़ी लग रही है, इसको लिक्विड सा बनाना है। अभी भी गाढ़ा है, पानी डाल लेती हूँ इसको। बहुत ही अच्छे से घोला बन गई है, देखिए पूरी तैयार हो गई है। कवर करके रख दिया था मशरूम, 15 मिनट हो चुका है। अब इसको मैं इस बाउल में डाल देती हूँ। बेसन के साथ इस तरह से मिक्स करना है। जब तक मिक्स नहीं हो जाते हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब अगली स्टेप पर चलती हूँ। मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और अपने फ्राई पैन को रख देती हूँ उसमें। यहाँ मैं फ्राई करने के लिए तेल ले लिए हूँ। यहाँ पे जो भी आप तेल यूज करते हैं, जो घर में आप फ्राई करते हैं, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, सरसों के तेल छोड़ के। सरसों के तेल में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आती है, स्मेल आती है। तेल को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको गरम होने के लिए 5-7 मिनट लगेगा इसको। यहाँ पे ध्यान देना है, तेल को बहुत ही ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है, वरना मशरूम बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्चापन रहेगा। तेल गरम हो चुकी है, मशरूम भी मैंने एक एक पीसेस करके डाल रही हूँ। इस तरह से डालना है, देखिए इस तरह से मशरूम के पीसेस इतना डालना है जितना इस पैन में आसानी से आ जाए। एक बार के मशरूम फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगती है। जब मशरूम फ्राई होने लगती है तो गैस को फुल करना है। मीडियम पे पकाएंगे तो क्रिस्पन नहीं आएगा। अपने करछी के मदद से 2-2, 3-3 मिनट में हमें इस तरह हिलाना है।
देखिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है मशरूम के पकौड़ा, अच्छे से पक चुकी है मेरे मशरूम के पकौड़ा बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पुदीने की चटनी के साथ लिया है और ये मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला डालने से और स्वादिष्ट हो जाती है, बहुत ही टेस्टी हो जाती है। तो मशरूम के पकौड़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, बनाए खाए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि कैसे लगे मेरे रेसिपी। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।